हे गाइस, स्वागत करती हूँ आप सभी का। चेक करते हैं क्या है आपके वर्सन की रोमांटिक फीलिंग्स, रोमांटिकली क्या सोचते हैं आपके पर्सन आपके बारे में, जिनके बारे में आप सोच रहे हो वर्सन क्या सोचते हैं रोमांटिक वे में आपके बारे में। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो दूरियां हैं आप दोनों के बीच, जो बाउंड्री है, जो लिमिटेशन है, लिमिट है, उसको इस पर्सन को क्रॉस करनी है, उसको इस पर्सन को हटानी है आप दोनों के बीच, और बिल्कुल एक रोमांटिक कनेक्शन, रोमांटिक रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ या तो लिव इन में चाहते हैं। ओके, तो जो बाउंड्री है आप दोनों के बीच आपने क्रिएट करके रखा हुआ है, या इस पर्सन ने क्रिएट करके रखा हुआ है, या ये पर्सन ऐसा शो करते हैं आप दोनों को कि नहीं 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 शादी से पहले तो कुछ भी नहीं। ओके, नो केश और नहीं, ओके केश होता है तो कोई बात नहीं, पर इससे ज़्यादा नहीं। तो इस पर्सन की एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पेशली अगर ये पर्सन एक मेल है तो, कि जो भी बाउंड्री आप दोनों के बीच है या आपने क्रिएट करके रखी है, या कभी इस पर्सन ने ही बोला था ऐसा कुछ, जो भी बाउंड्री है इस पर्सन को वो हटानी है। ओके, जो लिमिट है उसको क्रॉस करनी इस पर्सन को। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा फैंटासाइज करते हैं रोमांटिकली, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में कि आप डेट कैसे लगोगे, ये पर्सन आपको देखना चाहते हैं। ओके, ये पर्सन आपके साथ, मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन ना शो नहीं करते पर आपके साथ रूड होना चाहते हैं, आपको डोमिनेट करना चाहते हैं, और इस पर्सन को पसंद है आपको डोमिनेट करना। ओके, ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आपका जो सॉफ्टनेस है, आपका जो सॉफ्ट बिहेवियर है, आपका जो नेचर है, इस पर्सन को आपकी और ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। ओके, आपकी बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है आपकी ओर, आकर्षित है। ये पर्सन बच्चों के बारे में सोचते हैं, फैमिली बनाने के लिए सोचते हैं। ओके, अगर आप दोनों हस्बैंड और वाइफ हो तो, अगर आप दोनों हस्बैंड और वाइफ हो, अगर आप दोनों कुछ ही वक्त के लिए दूसरे से दूर भी जाते हो, फिर भी ये पर्सन आपको मिस करते हैं। ओके, रोमांटिकली बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में। ये पर्सन ऐसा सोचते हैं आपके बारे में कि आपने ना कुछ जादू कर दिया इस पर्सन पर। ओके, बहुत ज़्यादा ये पर्सन, क्या कहना चाहिए मुझे, सम्मोहित हैं आपकी ओर, आकर्षित है, अट्रैक्टिव हैं आपकी ओर बहुत ज़्यादा। ओके, भले ये शो नहीं करते, दिखाते कुछ नहीं हैं, ये पर्सन ऐसा शो करते हैं, ऐसे दिखाते हैं कि इनका माइंड तो बिल्कुल साफ है, आपके लिए बिल्कुल प्योर माइंड के हैं, आपके बारे में कुछ ऐसा वैसा सोचते नहीं हैं, पर बहुत कुछ सोचते हैं। तो ये है आपकी छोटी सी रीडिंग, ज़्यादा बड़ी नहीं कर पाऊँगी गाइस। तो ये है आपकी रीडिंग, कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, ज़रूरी नहीं है ठीक है मत ही बताना। बाय, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, लव यू सो मच। बस कमेंट बॉक्स में कोई हार्ट दे देना या गुड इवनिंग कह देना, जो भी हो। ओके, बाय।